दोस्तों, चक्रव्यूह में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और अपोजिशन यूनिटी की संभावना पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी न केवल दिल्ली बल्कि राष्ट्रतंत्र की राजनीति को भी प्रभावित करेगी। दिल्ली में भाजपा और आपकी कमाल जुगलबंदी थी, लोकसभा और नगर पालिका में कमल खिलता था और विधानसभा में जोर शोर से झाड़ू चलता था। इस बार नगर पालिका में अपनी पकड़ बनाए रखने की खातिर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करके उनकी तबीयत खराब कर दी। वो अब भी जेल में चक्की पीस रहे हैं। गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान जब अरविंद केजरीवाल ने खुद को कट्टर ईमानदार कहना शुरू किया तो अचानक तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन की वीडियोस बाहर आने लगी। इसमें पहले तो वो घर का स्वादिष्ट खाना खाते हुए नजर आए। इस पर आम आदमी पार्टी ने सफाई दी कि वो जैन आदमी है, इसलिए अपना परहेजी खाना घर से मंगवाते हैं। बात नहीं बनी तो एक और वीडियो सामने आ गई जिसमें कोई कैदी उनके पांव दबाता दिखाई दिया। आपने फिर सफाई दी कि वो फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं और बीजेपी वाले एक वृद्ध नेता की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। इस प्रकार केजरीवाल के लोगों ने बीजेपी का मुंह तोड़ जवाब दिया और वो सिलसिला बंद हो गया। सत्येंद्र जैन की वीडियोस द्वारा दो संदेश दिए गए। इनमें पहला ये था कि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली आपका एक बड़ा नेता भ्रष्टाचार के कारण जेल में चक्की पीस रहा है। दूसरा संदेश ये था कि रिश्वत की कमाई से वो भ्रष्ट नेता जेल में ऐश भी कर रहा है। इस प्रचार का गुजरात में तो कोई खास फायदा नहीं हुआ, मगर 15 साल तक दिल्ली नगर पालिका में राज करने के बाद बीजेपी चुनाव हार गई। परंतु उसने इससे कोई सबक नहीं सीखा, वरना मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं करती। पिछले असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच 20% का अंतर था, जो नगर पालिका चुनाव में 3% तक घट गया। इसलिए उसने सोचा होगा कि अगर केजरीवाल को कुछ और कमजोर कर दिया जाए तो ये झाड़ू बिखर सकता है। लेकिन वो इस फर्क में कमी का कारण भूल गई। इस बार मुसलमानों ने केजरीवाल का साथ छोड़ा और कांग्रेस का हाथ थाम लिया, इसलिए उनके वोट में कमी हो गई। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को करीब कर दिया है। ये नजदीकी अगर बाकी रहती है और अगर वो मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो दिल्ली में कमल मुरझा जाएगा, इसलिए कि उन दोनों का कंबाइंड वोट 50% से ज्यादा है। अडानी का भ्रष्टाचार फिलहाल बीजेपी की राह में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है, इसकी ओर से ध्यान हटाना असंभव है। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके सारी दुनिया को भ्रष्टाचारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है। वोटर्स को बताया जा रहा है कि हम अकेले नहीं बल्कि सबके सब चोर हैं, इसलिए भ्रष्टाचार को देखने के बजाय ये देखो कि हम देशभक्त चोर हैं। हम तिलक लगाकर और भगवा वस्त्र धारण करके चोरी कर रहे हैं, इसलिए हमारा ना सही तो कम से कम हमारे हिंदुत्व का ख्याल करके हमें वोट की दक्षिणा दे दो। बीजेपी वालों को याद रखना चाहिए कि ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। इंसान गैर की चोरी बर्दाश्त कर लेता है मगर अपने की धोखाबाजी बर्दाश्त नहीं करता और उसको सबक सिखाता है। वो ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा की घोषणा करने वालों को देखता है कि सारा चारा केवल एक पवित्र गाय के आगे परोस कर करोड़ों को 5 किलो अनाज पर गुजारा करने के लिए मजबूर कर दिया गया है तो उसे गुस्सा आता है और वो इसका बदला भी ले सकता है। ये कार्य प्रणाली धोखादायक है। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ईडी ने सारे विपक्ष को एकजुट कर दिया है। प्रधानमंत्री का ये विधान बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि अपोजिशन की एकता उनके लिए लाभदायक है या हानिकारक। एकजुट अपोजिशन अगर बीजेपी के लिए फायदेमंद है
तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो जो है इसको मजीद बढ़ावा दे, और अगर नुकसानदेह है तो उनको चाहिए कि वो उसमें फूट डाले। प्रधानमंत्री को जो भी विरोधियों को एकजुट करने की सलाह दे रहा है वो उनका शुभ चिंतक नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री वैसे भी अति आत्मविश्वास में मगन रहते हैं। संसद में अपोजिशन बेंच की ओर देखकर उन्होंने अपना सीना ठोक कर कहा था कि आज देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। ये घमंड उन्हें महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इतिहास साक्ष है कि विपक्ष की एकता का मुकाबला न तो इंदिरा और राजीव गांधी और न ही अटल बिहारी कर सके हैं। इन सबको अपनी गलती का एहसास हारने के बाद हुआ, और मोदी जी को भी वक्त आने पर हो जाएगा। फिलहाल हर पार्टी अपने अपने अंदाज में 2024 की तैयारी कर रही है। बीजेपी अपने विरोधियों को डरा धमका रही है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपने मायूस कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास पैदा करने का प्रयत्न किया है। ममता बनर्जी और KCR क्षेत्रीय दलों का तीसरा मोर्चा बनाकर बीजेपी को सत्ता से हटाने की योजना बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इन सब से अलग अपना राग अलाप रहे हैं। नवीन पटनायक ऊंट के करवट का अंदाजा लगा रहे हैं। इस बीच KCR पटना गए और नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद अखिलेश और ममता बनर्जी ने हैदराबाद में जाकर KCR से मुलाकात की, क्योंकि वो एक गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाना चाहते हैं। इन सब से अलग नीतीश कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन इसी के साथ वो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल से भी मिले। ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी थी, मगर सत्ता के नशे में चूर वो इसको सुन नहीं सकी। 18 फरवरी को पटना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कन्वेंशन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ सलमान खुर्शीद, जितिराम मांझी और CPIML के दीपांकर भट्टाचार्य भी एकत्र थे। वहां पर नीतीश कुमार ने अपोजिशन एकता पर जोर देते हुए कहा कि अब कांग्रेस को फैसला लेना होगा कि 2024 में क्या रणनीति हो और अपोजिशन एकता को कैसे मजबूत किया जाए। अगर कांग्रेस तैयार हो तो बीजेपी 100 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। इस पर सलमान खुर्शीद ने जवाब दिया कि जो आप सोचते हैं कांग्रेस भी वही सोचती है, बस इतनी सी बात है कि पहले आई लव यू कौन कहेगा। नीतीश कुमार ने खबर दी कि सभी पार्टियों के फोन आ रहे हैं और कई दूसरे पक्ष एकजुट होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग जब फैसला करेंगे तो उसी दिन हम सब जो है वो एक हो जाएंगे और 224 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। वो बोले, अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी से छुटकारा मिल जाएगा। तेजस्वी यादव ने भी भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस से सारे क्षेत्रीय दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की अपील की। बीजेपी की भलाई अपोजिशन की लड़ाई को बढ़ाने में है, लेकिन उसने शराब घोटाले में KCR की बेटी कविता को लपेट कर केजरीवाल समेत BRS को भी अपना दुश्मन बना लिया और उन दोनों को कांग्रेस की करीब जो है वो ढकेल दिया। दिसंबर के अंदर दिल्ली की शराब पॉलिसी के मामले में ED ने कविता पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस प्रकरण में हिस्सा लिया है, उन्होंने भी जो है वो कमीशन लिया है। इसके जवाब में कविता ने कहा कि अगर आप चाहें तो मुझे जेल में डाल दें, हम डरने वाले नहीं हैं। अभी हाल में कविता ने केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि अडानी LIC की कीमत 11% घटाने के लिए जिम्मेदार हैं और ये जनता का पैसा है जो कि शेयर बाजार में घट गया है। CBI, ED, RBI इस पर क्यों चुप है? क्या ये सारी संस्थाएं केवल राजनीतिक बदला लेने के लिए हैं? उन्होंने अडानी घोटाले पर JPC की मांग की और अब यही बात आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह रहे हैं कि अडानी की भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार अडानी और ED ने मिलकर
अपोजिशन को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने का काम किया है। सिसोदिया की पैरवी कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु संघवी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कारण बीजेपी का कहीं फायदा तो हुआ होगा, परंतु उसको संघ की बी टीम समझना सही नहीं है, वरना बीजेपी उसके विरुद्ध हल्ला नहीं करती और मनोज सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं होती। अगर मनोज सिसोदिया की गिरफ्तारी से अपोजिशन की एकता का रास्ता हमवार होता है तो ये राष्ट्र पर राजनीति के लिए एक नेक शगुन होगा। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की संदेशा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।